कोई रिएक्शन नहीं है दोस्तों, इनका और उसका ब्लॉग में कोई रिएक्शन नहीं होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज है संडे, तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत ना सवेरे से ही कर रही हूँ। और देखिए आप दिवित को, दिवित क्या कर रहे हो सुबह सुबह? मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ। ऐसी कैसी ड्राइंग है भाई ये? ऐसी अजीब सी, ये कौन सी ड्राइंग बना रहे हो? हाँ, ऐसी गंदी सी ड्राइंग कौन बनाता है? ये चुड़ैल, चुड़ैल जैसी गजब बेइज्जती है। नहीं, ये चुड़ैल नहीं है। हाँ, कौन है बता? ये, हाँ, ये रानी है। रानी है? अच्छा, लगता है अपने लिए रानी बना रहा है अभी से, है ना? कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों, बस सुबह हो चुकी है और अभी आज थोड़ा लेट उठे हैं सो के, तो मैं बना रही हूँ सवेरे। आज है संडे, इसीलिए मतलब हेल्दी खाना सुबह नहीं बना, क्योंकि और दिन ना सवेरे जल्दी से इन्हें स्कूल भेजना होता है, एंजल और दिवित को। और एंजल यहाँ काट रही है प्याज, तो मतलब रोटी और सब्जी ही, पराठा वगैरह बनाना होता है। पर आज है संडे, इसीलिए बन रहा है मैक्रोनी। तो मैक्रोनी सवेरे सवेरे ये खा लेंगे, फिर दोपहर के लिए मैंने ये छोले, कल ही मैंने मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, क्या बोलते हैं, भिगो के, हाँ भिगो के रख दिए थे ताकि ये फूल जाए। तो ये भी मतलब हो चुके हैं, अब ये आसानी से उबल जाएंगे। और अब बनाते हैं मैक्रोनी और उसके साथ चाय, फिर खाते हैं और आपसे मिलते हैं। तो जी दोस्तों, मैक्रोनी बन चुकी है और मैंने दिवित और एंजल को दे भी दिया है खाने के लिए। तो बताइए दिवित, कैसा लग रहा है आपको, कैसा टेस्ट आ रहा है बताओ? वो टीवी देखने, वो फोन देखने में मगन है। अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो मैं और ये बाद में खाएंगे, क्योंकि इन्हें जाना है अपने काम पे और आज संडे है, तब भी जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ काम होगा इसीलिए। और ये चले जाएंगे नाश्ता करके ही, और खाना वहीं पर खाएंगे, तो फिर मैं इनके साथ ही खाऊंगी। तो दोस्तों, अब मैंने मतलब इनका प्लान हो गया चेंज, और मैंने इनके लिए लंच पैक कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं खाऊंगा नहीं पर लेके जाऊंगा, इसलिए फटाफट बना दे। तो मैंने फटाफट ये छोले और रोटी बनाकर पैक कर दिए, और ये इन्होंने बैग भी पैक कर लिया है अपना, क्योंकि ये जा रहे हैं अभी सितारगंज, और सितारगंज से चले जाएंगे गांव घर खटीमा, क्योंकि वहां भी कल इन्हें काम है, तो फिर कल शाम को ही आएंगे ये, है ना? कल शाम को आओगे फिर काम करके? अच्छा चलो फिर, लो भाई। कोई रिएक्शन नहीं है दोस्तों, इनका और उसका ब्लॉग में कोई रिएक्शन नहीं होता है, गजब बेइज्जती है। दिवित और मेरा ही होता है हमेशा ये। अब वो देखो, उसे दिखाती हूँ, उसे पढ़िए डांट, क्योंकि देख रहा था फोन, इसीलिए ना डांट पड़ गई और गुस्सा हो गया है। और अभी सफाई मुझे पूरी करनी है, क्योंकि ये पूरी सफाई ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले मेरे लिए बना दे, फिर उसके बाद करना घर का जो भी काम है। तो इनको बाय करने के बाद, इन्हें भेजने के बाद, फिर मैं करूँगी काम, और दिवित को नहलाऊंगी और मैं भी नहाऊंगी। एंजल ने नहा लिया है ना दिबू, और दीदी ने आपको नहीं नहलाया ना? हाँ दीदी गंदा है, पापा गंदा है। नहीं ऐसे नहीं बोलते, पापा अच्छे, पापा को जल्दी जाना था ना, इसीलिए आज नहीं नहलाया उन्होंने। तो दोस्तों, फटाफट इन्हें भेजते हैं और फिर करती हूँ मैं घर के काम, क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है और मुझे अभी बहुत काम करना है। तो आराम से जाना, ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रही है। आराम से जाना। दोस्तों, नहा धो लिया है और खाना भी बन चुका है, और दिवित हो गया है गुस्सा, क्योंकि वो बोला था कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा। क्या क्या बोलोगे, बोलो बोलो दिव्यू, बोलो ये
ये देखो ये सर्बियन डांस लेडी, ये ना एक भूतिया वाला कौन सा वीडियो था रे जो बहुत सर्बियन डांसिंग लेडी। हाँ और जो कहाँ का वीडियो था वो भी बता। सर्बिया का है? सर्बिया का। अच्छा सर्बिया का। तो वो ना रात में 12 बजे ऐसे डांस करती थी कहाँ पर, हॉस्पिटल के सामने, और जो भी उसे देख लेता था उसे वो चाकू से मारने आती थी। तो वही डांस करता है ये दिवित दिवित दिवित। तो अब हम खाते हैं खाना, चावल बन चुका है और छोले तो सवेरे ही सब्जी बना ली थी मैंने, तो इन्हें तो दे दिया है पैक करके, और ये कुछ ऐसा बना है। तो फिर खा लेते हैं फटाफट खाना और फिर काम करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़े कपड़े अलमारी में लगाने हैं। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो हम रखने लगे हैं कपड़े और दिवित कर रहे हैं मेरी हेल्प रैप करने में, एंजल ने किया था हेल्प और दिवित अब कर रहा है हेल्प, क्योंकि दिवित बहुत प्यारा बच्चा है ना दिबू। चलो फिर फॉलो मी लाओ। देखिए शीशे में ये देखिए, इसको देखिए हीरो को, हीरो जी को देखिए। तो यहाँ पर ये कपड़े लगा दिए हैं, यहाँ दिवित के लगाए हैं बड़ी मुश्किल से माना है, और यहाँ थोड़े से एंजल के लगाए हैं बाकी हैं। और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद ये एंजल और दिवित के स्कूल यूनिफॉर्म में प्रेस भी करना है। तो अब ना मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे ना थकान हो रही है, अब मैं सो जाऊंगी। आइसक्रीम बची है कल वाली मेरी, तो उसके लिए हो रही है योजना दोनों की कि मम्मी की आइसक्रीम बची हुई है, कल पापा लेके आए थे तो मम्मी ने खाया नहीं है, तो हम दोनों खा लेते हैं फटाफट। एक गया, वो गया भाई लेने गया। बताया क्यों आपने? मैंने नहीं खाया था और इन दोनों की नजर उसमें सवेरे से है। ये देखिए ये रहा नहीं जाता आइसक्रीम। तो दोस्तों इन्हें करने देते हैं हम लोग आइसक्रीम एंजॉय, और मैं अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है। तो ये ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नहीं मैं तेरी हो गई।